इस मंदिर की महिमा का गुणगान होते हुए 30 वर्ष हो चुके हैं और प्रथम 18/9/1985 को इनका प्राकट्य हुआ था। श्रीफल एकाक्षी नारियल में से बीच के रूप में प्रथम दर्शन हुए थे गणेश जी के। उसी दर्शन के बाद में एक एक दिन कर 21 वर्षों में प्रभु ने अपना पूरा आकार ग्रहण किया, जिसको गजमुख आकार बोलते हैं, वो एक एक दिन कर निर्मित बनाया है उन्होंने। और खास विशेष बात रही कि 21 वर्ष तक श्रीफल में जल समावेश था इसके अंदर। जब तक पूरा विकास हुआ तब तक उस जल का साथ में संयोग बना रहा। पूर्ण आकार होने के बाद जल सूख गया, जबकि जनरल नारियलों में सुनने में आता है कि 3 या 6 महीने में जल सूख जाता है, उसके बाद गोला बन जाता है, उसके बाद विकास संभव नहीं। लेकिन प्रभु का ये चमत्कार होना था एकाक्ष श्रीफल के अंतर्गत, तो 21 वर्षों तक प्रभु ने जल का समावेश रखा और अपना स्वयं का निर्माण कर पूर्ण आकार भक्तों के दर्शन के लिए प्राकट्य किया उन्होंने। यह मंदिर पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। एकाक्ष श्रीफल में आज तक कहीं भी गणेश जी का जन्म इतने वर्षों में निर्मित हुआ सुनने में नहीं आया है, न शायद संभव होगा। नारियल में से बने हुए गणेश जी के कई दर्शन हुए, लेकिन एक साथ बनी हुई मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन प्रभु ने जो एक एक दिन कर विकास और जहाँ जो चीज़ बनना चाहिए, कान की जगह कान है, नाक की जगह नाक है, आँख की जगह आँख है, मुकुट की जगह मुकुट है, सूंड की जगह सूंड है और जीवान की जगह जीवान है, और 21 वर्ष बाद जीवान का निर्माण होना, ये अपने आप में चमत्कारिक अनुभूति का खेल है। नारियल में से प्रकट हुए गणेश जी के बारे में सुना था, मैं बहुत दूर से अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ आई हूँ अर्जी लगाने।